गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा धर्म ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच पैक कर रही थी। मेरी पूजा पाठ हो गई है। सुबह की जो पूजा पाठ होती है, नहाना धोना, पूजा पाठ होने के बाद में जब मैं बच्चों का लंच पैक करती हूँ, तो मैं यहाँ बच्चों का, तीनों बच्चों का और पतिदेव का लंच पैक कर रही थी। उसके बाद मैं सभी काम से फ्री होकर के, बच्चे स्कूल चले गए थे और सभी काम से फ्री होकर के मैं आई थी मंदिर दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश महाराज और यमुना माँ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दर्शन करते हैं। मंदिर से आने के बाद मैं चाय वगैरह बनाने के लिए रख दी थी। इधर ही कपड़े धुले थे मैंने एक दिन पहले, तो वो कपड़ों में धूप लगानी थी, तो बस यहीं मैं कपड़े धूप लगा रही थी। कुछ कपड़े यहाँ धूप लग चुकी थी, उन कपड़ों में बेडशीट वगैरह थी वो रह गई थी, वो मैंने डाल दी थी। गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैंने बनाई है चाय, मंदिर से आई थी। मंदिर से आने के बाद में मैंने जो कपड़े धुले थे एक दिन पहले, मतलब शाम को धुले थे, तो वो थोड़े धूप लगाने के लिए डाल दिए हैं। बस बेडशीट वगैरह डाल दिए, बाकी के तो धूप लगा दी थी कपड़ों में। और बच्चे गए हैं स्कूल। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना मुझे, जबकि मौसम नहीं है सर्दी का, पर ये ना मौसम सर्दी का नहीं है, पर ये जो सुबह के टाइम में जो ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना, दोपहर को इतनी तेज़ धूप पड़ती है जैसे आप हो रही है, तो ये मुझे नुकसान कर देती है। मेरे है ना बैक में भी इधर है ना, इधर भी दर्द हो रहा है मेरे पे सर्दी की वजह से। तो मैंने बनाई है चाय अपने लिए, आ जाइए चाय पी लीजिए। देखिए चाय, लौंग अदरक इलायची डाल करके चाय बनाई। थोड़ा मैं जाऊंगी अभी मार्केट, मार्केट से अभी एक दो सामान लेकर के आने हैं। हाँ जाऊंगी, अब थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। मकान पर देखूंगी आज जाऊंगी, नहीं तो कल जाऊंगी मकान पर। बाहर भी ऐसे हो गए हैं। बच्चे आ जाएंगे, सोच रही हूँ 10:30 के करीब ना मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे काम भी है मार्केट में, थोड़ा बहुत का मतलब एक दो सामान भी लेने हैं और थोड़ा काम भी है। तो मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँगी मार्केट 10:30 के समथिंग, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों के लिए यार दाल चावल बनाऊँगी। कल दलिया बनाया था, आज सोच रही दाल चावल बनाऊँगी बच्चों के लिए। बच्चों के आज मैंने काशीफल की सब्जी बनाई थी। मेरे यहाँ देखो कई सूट रखे हैं सिलने के लिए। एक तो देखिए ये मैंने पिछले साल लिए थे,
पिछली साल लिए थे, एक तो देखिए इसमें से कुर्ता बनाना है मुझे, जयपुरी प्रिंट का है, एक ये वाला है, इसमें से कुर्ता बनाना है, इस पर ब्लैक पैंट चल जाएगी, और प्योर कॉटन का है। तो ये मैंने पिछले साल लेकर के रखे थे, दो दो मीटर के कपड़े हैं थान में से। तो एक तो ये है और एक ये वाला है। अब मैं घूमने जाऊंगी ना छुट्टियों में, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे इसी तरीके से कपड़े चाहिए एकदम एक मुट्ठी वाले, क्योंकि ज़्यादा भारी कपड़े या ज़्यादा हैवी जो वेट के जो कपड़े होते हैं ना, वो पहने नहीं जाते। ज़्यादातर ऐसा लगता है जितने सिंपल कपड़े और जितने ही कॉटन के और जितना मतलब उनका कपड़ा अच्छा हुआ ना, वो उतना ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये तो है कुर्ते का कपड़ा जो मुझे सिलने के लिए पड़े हुए हैं अभी, बस काट जुकाम में सोच रही मेरा ना जुकाम थोड़ा ठीक हो जाए ना, उसके बाद में मैं ना इन्हें काट करके रखूँगी फिर सिलूँगी। सोच रही या तो मैं आज शाम को इन्हें काटूँगी, नहीं तो कल तो काटूँगी नहीं, कल तो संडे है, क्योंकि कल बच्चों की डिमांड और पति देव की डिमांड रहती है कुछ अच्छा बनाऊँ। तो आज हो सकता है कल मैं दही हल्ले बनाऊँगी, आज दाल या तो मैं जा रही हूँ मैं लेकर के आऊँगी ले आऊँगी, अगर नहीं भी आ रहा तो वो शाम को पति देव लेकर के आएंगे। शाम को बनाऊँगी दही, शाम को सॉरी कल बनाऊँगी दही बल्ले, सोच रही हूँ बनाने की, वो बोल रही थी। तो या तो आज काटूँगी ना फिर ये मैं काटूँगी मंडे को और मैं सिलूँगी। तो इसका देखिए ये तो इसके साथ का है कुर्ता, और ये आएगा इसका बॉटम, ये है इसका इस तरीके का बॉटम इस तरह। ये मैंने थान में से लिए थे पिछली बार, कपड़े लिए थे पिछली बार सिलने के लिए, पिछली बार तो सिल नहीं पाई थी। और इसके साथ का दुपट्टा मेरे पास है, रेड कॉटन का है, वो चल जाएगा। और इसके साथ का भी मेरे पास में कॉटन का है, जो थान वाला देखा बताया था ना ये वाला, इसके साथ में अभी मेरे पास में मतलब इसके साथ नहीं आया था, मैंने ना एक दुपट्टा बीच में लिया था, पर वो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सूट भी है मेरे पास में। तो मुझे है ना मैंने जैसे वो दुपट्टा देखा था ना, मैंने ये तो इससे मैच कर जाएगा, तो इससे बिल्कुल मैच हो रहा है दुपट्टा मेरा, वो भी इसी तरीके से मल्टी कलर का है, जैसे इसमें सभी कलर है ना वो भी इसी तरीके से है, इस वजह से। तो दुपट्टा मेरा वो भी कॉटन का, तो वो भी चल जाएगा। मेरे कई सूट पड़े हैं सिलने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा, और टाइम के साथ साथ ना थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। अभी मार्केट जाऊंगी ना, थोड़ा काम है जरूरी इसलिए जाऊंगी। थोड़ी देर टीवी खोल ली थी मैंने, चाय पीते हुए टीवी देख ली थी, मंदिर गई थी दर्शन मुझे बहुत अच्छे हुए पता है। जैसे मैं मंदिर में, वो वाला मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ, जैसे मैं मंदिर में गई थी ना तो वैसे ही है ना एकदम पट बंद हो रही थी, तो है ना मुझे है ना दर्शन हो गए थे, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बाद में मैंने फिर थोड़ा वीडियो बनाया था, पर भगवान जी के नहीं बना पाई थी मैं। तो मुझे है ना बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज दर्शन हो गए मुझे, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो कल नहीं जा पाई थी। अब कल संडे है तो कल आराम से उठूँगी, मंडे से है ना पर डेली रूटीन बना लूँगी जाने का, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो जाती है तो जाना नहीं हो पाता है मेरा। चलिए तो मैम जनाब आपसे बाद में बात करते हैं, पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर देखते 10:30 बजे हम जाएंगे मार्केट, जो हमारा काम करने का है वो हम करके आते हैं, ठीक है। जूड़ा बनाऊंगी खुले बालों में, तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, बाल भी कैसे हो रहे हैं मुरझाए हुए। चलिए तो चाय पी लेते हैं, आप भी सब चाय पी लीजिए।
यहाँ मैं मार्केट से आने के बाद में, और मैं यहाँ दाल चावल बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि 11:30 या 12:30 का टाइम हो रहा था मेरे अंदर से, 11:30 का ही टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ ना मैं दाल और चावल निकाल रही थी, पहले चावल रख दूँगी बनाने के लिए, फिर दाल रखूँगी बनाने के लिए, अरहर की दाल बनाऊँगी। और कपड़े देखिए बेड पर पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो कि मुझे तय करके रखने हैं वो। उसके बाद में मुझे अचार की मिर्च भी डालनी है, जो कि जो हाथ साथ के साथ खप जाती है ना वो वाली, तो अचार की मिर्च काटनी है, अचार की मिर्च भी डालनी है। चावल बनाने रख दिए हैं, मैं मार्केट से आ गई हूँ, खीरे वगैरह लेकर के आई थी, और हम डालते हैं मिर्च का अचार जैसे रखे। और मैं बनाऊँगी अभी दाल, दाल निकाल करके रख ली है, चावल बनाने के लिए रख दिए हैं, फेस भी वैसा हो गया जी। तो हम पहले मिर्च को काट लेते हैं, फिर अचार बनाएंगे मिर्च का। चलिए एक जगह बैठ करके हम मिर्च काटते हैं, ठीक है। इस तरीके के अचार की मिर्च जो मैं काट के डालती हूँ ना, ये पतिदेव को बहुत पसंद है, तो वही लेकर के आए थे। इस तरीके से मिर्च बोले तो उषा इस तरीके से मिर्च डालना बहुत अच्छी लगती हैं, तो क्योंकि ये मिर्च पता है क्या है कि एकदम कच्ची कच्ची और होती हैं, कच्चे मिर्च होती हैं बिल्कुल, और मतलब बिल्कुल बहुत सॉफ्ट रहती हैं ये। और ये पता है क्या, एक दिन मैं जैसे डालूँ ना तो ये शाम तक हो जाती हैं खाने लायक, तो ये वाली मिर्च ना पतिदेव को बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही वाली मिर्च मैं डाल रही थी, देखिए मिर्च डाल करके छोटा डब्बा ले लिया था और उसी में देखिए सभी मिर्च डाल दी। अब ये मिर्च इतनी है ना शाम तक खाने लायक हो जाएंगी, और इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में, बहुत अच्छी मिर्च लगती हैं, तो इसीलिए जो है ना पतिदेव को ये वाली मिर्च ज़्यादा पसंद आती है। तो बस यही वाली मिर्च लेकर के आई थी। और गोलू ने यहाँ ना मैं पानी में किशमिश रख दी है, भिगो करके गया था कि आकर के खाऊंगा, तो वो किशमिश भिगो करके गया है पानी में डाल करके, और जो कि उसे आकर के खानी है। चावल बनाने के लिए रख दिए कुकर में, और चावल बन जाएंगे, उसके बाद में मैं दाल रख दूँगी बनाने के लिए। और यहीं देखिए ये हमारी जो दो जो पूजा वाली जो बाती होती है ना घी वाली, ये ना बस दो चार ही पड़ी थी, उसमें ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने ना इसमें और बाती भर के ऊपर से देसी घी डाल दिया था, क्योंकि मैंने देव बातियों को देसी घी में ही भिगो करके जब ही रखती हूँ, तो इसी डिब्बे को मैं घर में यूज करती हूँ पूजा के मंदिर में, और यही मैं मंदिर में लेकर जाती हूँ जलाने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में। तो देखिए हमारी वो डिब्बी मैंने भर के रख दी थी, और क्योंकि वो भी काम ज़रूरी था, और यहीं मेरे देखिए चावल बन करके तैयार हो गए हैं, दाल रख दी है कुकर में बनाने के लिए, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे।